ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप भी अक्सर किसी न किसी बात की चिंता करते होंगे, अपने बच्चों के भविष्य की, अपने करियर की, अपनी शादी की, अपने बच्चों की, अपने जीवन में परेशानियों से, और एक अज्ञात डर जो मन में है कि हमें कुछ हो जाएगा या हमें ऐसी चीज़ें हो जाएगी। और कई बार तो इतना सारा डर और इतनी सारी चिंताएँ होती है कि जो हमें समझ ही नहीं आती कि हमें इतनी चिंताएँ करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आपके मन में बहुत सी चिंताएं हमेशा चलती रहती हैं और इससे आप बहुत दिनों से प्रयास करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे कि इन चिंताओं को हम कैसे बाहर कर पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो पूरा देखें, यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं छोड़कर तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा है कि इसके बाद आप वीडियो को पूरा देखें ताकि चीज़ों का बहुत बारीकी से समझ लें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगे तो, और इसके साथ साथ ही अपनी कुंडली का एनालिसिस, जो भी प्रश्न आपके जानना चाहते हैं उसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि चिंताएं जितनी सारी भी है वो हमारा मन का एक वहम है। वहम इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हम इस वहम को पाल लेते हैं, हमारे काम करने का तरीका, हम बैठे हैं, बात आपसे कर रहा है लेकिन दिमाग और कहीं सोच रहा है, और यही जो तकलीफें हैं ये धीरे 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें पता भी नहीं लगता है कि हम हमारे काम में मन नहीं लग रहा है, हम हमारे जीवन को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, हम इन सब प्रेशर के साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, खुद के अंदर परेशान है। हेल्थ इशू कोई नहीं है लेकिन मेंटली हम हैं बहुत तरीके से परेशान हो रहे हैं। ये धीरे धीरे इसका एक स्टेज है। अब इसको रोकना कहाँ से? इसका रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है, अपने घर के आसपास शिव मंदिर हो वहाँ जाए, भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाएँ, और जैसे आपने जल चढ़ाया वैसे ही एक बात कह दें कि हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मेरी जितनी सारी चिंता है मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, इनका समाधान आप करें, इनका हल आप निकालें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। जब आप इस भाव में आएंगे ना, शुद्ध भाव में आना है, ऐसा नहीं कि हम ऊपरी तौर पर गए और बस जल चढ़ा दिया कि मैंने कहा है, तो आप ऐसा नहीं करें, पूरी श्रद्धा के साथ। और वो तब वेरीफाई होगा जब आपको अच्छा लगे, आप उन चिंताओं के बारे में सोचना बंद कर दें। अब इसका ये मतलब नहीं कि चिंताओं के बारे में सोचना बंद करने से हम कर्म करना बंद कर दें। हम कर्म करें, हम जो भी उस विषय को लेकर काम करें बस उस काम को करते रहें, सफल होना असफल होना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना, ये सब चीज़ें बंद कर दें, वो सब ईश्वर के हवाले कर दें। हम सिर्फ हमारा काम करें, हम उस रास्ते से चलें, बाकी सफल होना सब चीज़ें स्वतः ही हो जाएगी। बड़ी से बड़ी चिंताएं जो हैं वो आपका शिव जी, जो ईश्वर है भोले हमारे, वो हल कर सकते हैं। ये भी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, ये कई सारे जातकों ने इस प्रयोग को अपनाया है और उससे उन्हें फ़ायदा हुआ है। आप भी इसको अपनाएं, अपनी जो चिंताएं शिव जी को अर्पण कर दें, भोले को अर्पण कर दें, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। ऐसा नहीं हो कि फिर आप वही तरह से परेशान हों, भूल जाए। अगर आप शिव में पूरा यकीन है और वहाँ कह दे शिव जी को और भूल जाए, ये हर एक व्यक्ति कर सकता है, हर एक राशि का जातक कर सकता है, जिसे अपनी राशि पता है नहीं पता है सब लोग ये कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।